जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने रीवा पहुंचे सांसद रवि किशन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, आज अमेरिका भारत की तारीफ कर रहा है, भारत को भविष्य बता रहा है, पूरा विश्व आज भारत को देख रहा है, आज भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ऐसे वक्त में किसी जालसाजी फरेब में ना फंसे, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद ना करें। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है जो हर सोच के साथ आगे बढ़ेगी। ये सुनहरा मौका है, राम राज है, 500 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद राम मंदिर बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। ऐसा समय कभी नहीं आएगा, ऐसी गलती कभी मत करना। समस्त मध्य प्रदेश से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जीवन भर आप लोग पछताएंगे कि लालच में ना आए, किसी भी फरेब में झूठ में मत फंसना। आपका चेहरा कमल निशान, आपका चेहरा राष्ट्र सर्वोपरि, आपका चेहरा तिरंगा। ऐसी पार्टी जो शोषित वंचित व एक ऐसी आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट बनाया जो आज तक कभी नहीं हुआ। कि गर्व से कि मैं हिंदू हूँ, ब्रिटेन के सुनक, और मैं मंदिर जाऊंगा। आज पूरा विश्व मान रहा है, आज बाइडेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका का, वो आके भारत की तारीफ कर रहा है, भारत को भविष्य बता रहा है। सबसे ज़्यादा युवा भारत में है और पूरा विश्व देख रहा है भारत आज सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ऐसे वक्त पर किसी भी, मैं नहीं चाहूँगा, जालसाजी फरेब में आप लोग ना फंसें, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य ना बर्बाद करें। भारतीय जनता पार्टी एक गरीबों की पार्टी है जो हर सोच के साथ इस देश को आगे बढ़ाएगी, और ये सुनहरा मौका, ये राम राज है, 500 साल बाद हम लोग अपनी एक लड़ाई लड़े हिंदू, और अब राम मंदिर बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेजेस भी बन रहे हैं, आईआईटीज भी बन रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। ऐसा समय कभी नहीं आएगा, कभी भी गलती नहीं करना। मैं समस्त मध्य प्रदेश से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, न जीवन भर आप लोग पछताएंगे, किसी लालच में ना आए। एक ही पार्टी है जिसका चेहरा है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसका चेहरा एक संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, और एक करप्शन का दाग नहीं। मैं यही कह रहा, एक दाग नहीं करप्शन का, कि एक करप्शन मेरे प्रधानमंत्री जी पर हो, मुख्यमंत्री पर हो, हमारे संगठन पे हो, हमारे मंत्रीगण पे हो, हमारे सांसदगण या विधायकगण या हमारे पार्षद या मंडल अध्यक्ष, एक दाग नहीं। ऐसी पार्टी के साथ हम आए हैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके इस जन आशीर्वाद यात्रा में, कि मध्य प्रदेश गलती से भी फंसना नहीं, किसी भी फरेब में, किसी भी झूठ में। आपका चेहरा है नरेंद्र मोदी जी, आपका चेहरा है कमल निशान, आपका चेहरा है राष्ट्र सर्वोपरि, आपका चेहरा है तिरंगा, आपका चेहरा है ऐसी पार्टी जो शोषित वंचितों के लिए, जहां पर एक आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है, जो कभी इस देश में नहीं हुआ। आप लोग गलती मत करिएगा, नहीं जीवन भर पछताएंगे मध्य प्रदेश। और रीवा की सभी सब देवतुल जनता से मैं कह रहा हूँ, कहीं फंसिएगा नहीं, किसी फरेब में, किसी झूठ के लॉलीपॉप में। ये सारे चेहरे, ये सारे फरेबी हैं, इनका इतिहास उठा के आप लोग पढ़ लीजिए। नए युवा पीढ़ी से खास कर कहूँगा, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं कितने बड़े बड़े स्कैम हुए 2014 के पहले, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए इस देश में, कैसे बर्बाद किया गया इस देश को, कैसे इन लोगों ने कीड़े की तरह, दीमक की तरह 70 साल चाट गए इस देश को। ये मौका है जहां आज विश्व एक सम्मान के साथ खड़ा है, पूरा विश्व आज हम लोगों को, भारत को सम्मान से देख रहा है। इस मौके को अब जाने मत दीजिएगा, रीवा की धरती, मध्य प्रदेश की धरती कहीं मत चूकिएगा। भारतीय जनता पार्टी है जो आप लोगों के सम्मान को लेकर लड़ रही है, जो